हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल वीस का रिव्यू में। और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी मनचाहे 5 सेकंड की वीडियोस एआई से जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, इस तरीके की आप वीडियोस अपना आप जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उसे कैसे करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम पे आते हैं, और गूगल क्रोम पे आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्लिंग एआई। जी हाँ, KLING क्लिंग एआई। तो चलिए मैंने इसे सर्च कर लिया। उसके बाद नीचे आपको ग्रीन कलर के लोगो के साथ यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिंग एआई, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्लिंग एआई जो साइट है इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर रखा है पहले से, आपको लॉगिन करना पड़ेगा अगर आपको वीडियो जनरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया अपने मेल आईडी से। उसके बाद यहाँ पे एआई वीडियो आपको बीच में दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, तो ये सबसे मेन है। इस पर आपको जो वीडियो जनरेट करानी है उसके मतलब एग्जैक्ट चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है। अगर वो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो वीडियो कुछ और जनरेट हो जाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। प्रॉम्प्ट पे आपको कायदे से चीज़ें अच्छे से लिखनी है, उसके बाद ही आप इसे जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए मैं जो है डॉग को जो है कार ड्राइव करने के लिए मैं सर्च करके देखता हूँ आता है कि नहीं। तो इसको मैं सर्च करता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या जनरेट होके आता है। तो इस तरीके से आप कुछ भी चाहे 5 सेकंड का कोई वीडियो, मतलब कुछ भी आप जो आप चाह रहे हैं वो आप यहाँ डालेंगे और उस तरीके का आपको मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लेता है, तो चलिए मैं आपको जैसे ही बन के आता मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से इसने जनरेट करके दिया है, जो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। ये कार ड्राइव कर रहा है, सीट बेल्ट लगाया हुआ है, तो इस तरीके से ये जो है आपको जनरेट करके देगा। इस तरीके से आप कुछ भी जनरेट कर सकते हैं इससे, और मनचाहे वीडियोस अपने कंटेंट में बीच में 5 सेकंड का कुछ भी ऐड करके उसे डाल सकते हैं, जिससे आपका कंटेंट और इफेक्टिव लगेगा। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया और ये काफ़ी अच्छा है। इसमें आप जो है इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं, नीचे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में अपग्रेड के लिए भी दिया हुआ है, तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।